जय हिंद साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी कलर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज करने वाले हैं। इस पैसेज को आज लास्ट तक पूरा पूरा देखना है और एनालाइज करना है कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन कर सकते हैं और आप एग्जाम में हूबहू ऐसे ही पैसेज आने के पूरे पूरे संभावनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश वीक है तो हमारा इंग्लिश का लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले जो भी क्लासेस हो गए हैं सारे क्लास मिल जाएंगे। अभी उसका फ़ी जो है मात्र 500 का फ़ी है। साथ साथ आप ई बुक भी ले सकते हैं और अभी जो टेस्ट सीरीज चल रहा है 20 टेस्ट का, वो तो उसका 250 है या आपके 31 अक्टूबर में 20 टेस्ट खत्म हो जाएंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पैसेज। ये पैसेज करने से पहले मैं एक बार क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ आपको, उस बाद हम लोग पैसेज पर आएंगे। क्या कह रहा है? द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड विल डिपेंड ऑन। मैनकाइंड का यानी कि ह्यूमन का सर्वाइवल किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? ठीक है, अब पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। आगे है द एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द फ्यूचर आर, यानी कि फ्यूचर का एनर्जी कौन सा है, एनर्जी सोर्स क्या है, पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। कभी भी आंसर करना है आपको तो पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है आपको, ठीक है। अगला है द सायनिम ऑफ यूबिक्विटस का आंसर क्या होगा, सायनिम क्या होगा आपको पता करना है यहाँ पर। आगे है बायोमास इज एन एनर्जी सोर्स यूज्ड इन, बायोमास जो एनर्जी है आपका कैसा सोर्स है, कैसा एनर्जी सोर्स है, ये पैसेज पढ़ेंगे तब जाने इसका यूज़ कहाँ किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ यूज़ किया जा रहा है। आगे है द थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज का थीम कौन सा है, ठीक है, क्या हो सकता है पैसेज का थीम। तो ये है पैसेज का 5 क्वेश्चन। अब आते हैं पैसेज पर, पैसेज को एक बार लाइन बाय लाइन करते हैं और मेरे पैसेज करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पैसेज आप खुद से करिएगा, आंसर खुद से करिएगा और मेरे आंसर से मैच करिएगा। मैं अभी वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं यहाँ क्लास करना स्टार्ट करता हूँ, पर आप मेरे आप पढ़ने के बाद मेरे आप क्लास को देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन एनर्जी, यानी कि आज का जो सिविलाइजेशन है, आज सभ्यता जो है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, एनर्जी पर डिपेंड करता है, डिपेंड है, ठीक है। विच हैज देयरफॉर टू बी अबुंडेंट एंड ऑल्सो इकोनॉमिकल, क्या है अभी बहुत ज़्यादा, ये क्या है मतलब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है और बहुत ज़्यादा क्या है, महंगा भी है ये, ठीक है, इकोनॉमिकल भी है। अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी इज सप्लाइड बाय ऑयल कोल नेचुरल गैसेस, यानी कि लगभग कितने 85% पूरे दुनिया का एनर्जी जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है, बनाया जाता है, ऑयल के द्वारा, कोल के द्वारा और नेचुरल गैस के द्वारा, ठीक है। वहीं वाइल न्यूक्लियर हाइड्रो एंड विंड एंड सोलर पावर एंड बायोमास सप्लाई द रेस्ट, यानी कि 15% जो बचा, 15% जो और बचा वो किसके द्वारा एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, एनर्जी रिसोर्स, ये न्यूक्लियर यानी कि परमाणु के द्वारा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा, सोलर एनर्जी पावर यानी कि सौर ऊर्जा के द्वारा और बायोमास के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। कोल न्यूक्लियर एंड हाइड्रो आर यूज्ड प्राइमरली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल नेचुरल गैसेज इज वाइडली यूज्ड फॉर हीटिंग, यानी कि देखिए कोल का, कोयले का, न्यूक्लियर का और हाइड्रो का यूज़ खासकर कहाँ किया जाता है, बिजली को पैदा करने के लिए, और नेचुरल गैस का यूज़ कहाँ किया जाता है, हीटिंग करने के लिए, हीटिंग कहीं भी किसी चीज़ का हीटिंग करने के लिए, गर्म करने के लिए, ठीक है। बायोमास इज यूज्ड बोथ फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, यानी कि बायोमास का यूज़ कहाँ किया जाता है, हीटिंग के लिए भी और कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है बायोमास का, ठीक है। आगे है द विंड एंड सोलर पावर इज द फ्यूचर्स होप एज दे आर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज, यानी क्या देखिए फ्यूचर का एनर्जी क्या है, फ्यूचर का एनर्जी क्या है, विंड और सोलर पावर, यानी कि हवा है और सोलर पावर है। आप पैसेज को लाइन बाय लाइन देखिएगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन देखिएगा, बाद में मैं इसका पूरा मतलब बता दूंगा एक साथ आपको। देख क्या होता है ना कि आप पैसेज आप मेरे साथ पूरा पूरा करते हैं तो एक पैसेज आपका मन में बैठ जाता है एक स्टोरी की तरह, जब भी आप क्वेश्चन देखते हो तो पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप आंसर कर लेते हो, इसलिए पैसेज को लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करें एक स्टोरी की तरह, मैं आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यानी कि फ्यूचर का एनर्जी क्या है, तो विंड और सोलर पावर है। आगे है ऑयल पावर्स ऑलमोस्ट ऑल मशीन्स दैट मूव एंड दैट मेक आवर ऑयल यूनिकली वर्सटाइल, यानी कि देखो जितने भी क्या है ऑयल जो है जितने भी लगभग सभी मशीन में क्या है, तो आज ऑयल का यूज़ क्या रहा है, ऑयल इसको पावर देता है, ऑयल इसको शक्ति देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। ऑयल पावर्ड एरोप्लेन्स कैरी 500 पीपल अक्रॉस द वाइडेस्ट ओशन एट नियरली द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि देखो ऑयल जो होता है यानी ऑयल के एनर्जी है ना हमने भरा है, तो एरोप्लेन को इतना पावर देता है कि वो 500 आदमी से ज़्यादा को क्या करता है, समुद्र के उस पार से उस पार लेके जाता है एक हवा के स्पीड में, ठीक है।
ऑयल पावर्ड मशीन्स प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट फूड, यानी कि ऑयल जो एक मशीन को पावर देता है वो क्या होता है, फूड को प्रोसेस करता है, प्रोड्यूस करता है और ट्रांसपोर्ट भी, यानी इधर उधर ले जाता है, कौन, मशीन ही ले जाता है ना ये, कि ऑयल पर ही चलता है। ऑयल पावर्ड मशीन्स आर यूबिक्विटस, यानी कि जो आज जो है मशीन जो है जो ऑयल से चलने वाला हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ है यूबिक्विटस है जो कि हर जगह, ये आपका इसका मतलब क्या होता है, हर जगह होता है क्योंकि आपको साइनोनिम में पता करना है, ठीक है। यूबिक्विटस मतलब क्या होता है, हर जगह अवेलेबल रहने वाला, ठीक है। क्लियरली वी लिव इन द एज ऑफ ऑयल बट इट इज ड्रॉइंग टू ए क्लोज, यानी कि देखो आप ये कह सकते हैं, साफ साफ कह सकते हैं कि हम लोग अभी किस युग में रह रहे हैं, तो तेल की युग में रह रहे हैं, तेल की दुनिया में रह रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो कि ये खत्म होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द डाटा अवेलेबल, इफ ऑयल प्रोडक्शन रिमेन कंस्टेंट अनटिल इट्स गॉन, देयर इज एनफ टू लास्ट 42 ईयर्स, यानी कि इसी तरह से अगर प्रोडक्शन अगर रहा तेल का स्थिर रहा तो क्या होगा, ये 42 साल तक चलने वाला है। आगे है ऑयल वेल्स वेल प्रोड्यूस लेस, अब ऑयल वेल क्या होता है, यानी तेल का कुआं जो होता है क्या होता है, यह बहुत कम होता है, बहुत कम हो गए हैं, एज दे बिकम डुप्लीकेटेड, बहुत सारे क्या हो गए, खाली हो गए हैं, ठीक है। विल विच विल मेक इट इम्पॉसिबल टू कीप प्रोडक्शन कंस्टेंट, जिससे क्या हो गया है, ये प्रोडक्शन को कंस्टेंट रखना, इससे रखना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, असंभव हो गया है, ठीक है। सिमिलरली नेचुरल गैस एंड कोल विल लास्ट अनदर 61 ईयर्स एंड 133 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि अब कोल कितना, नेचुरल गैस कितना दिन चलने वाला है, 61 साल, यानी कि 42 साल के बाद 61 साल अभी चलने वाला है, 61 साल, और ये जो आपका कोल है ये 133 साल और चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। नेचुरली स्वाभाविक रूप से क्या है कि एज दे बिकम स्कार्स, अब मान लीजिए जब कम हो जाएगा, ये इसका मतलब क्या होता है, कम होना होता है, कम है, कमी है, कमी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे बिकेम एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत खर्चीला हो जाएगा, लीडिंग टू ए वर्ल्ड वाइड एनर्जी क्राइसिस, इससे क्या हो जाएगा, पूरे दुनिया में क्या हो जाएगा, एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा की क्या हो जाएगा, संकट हो जाएगा, ठीक है। इफ वी आर टू सर्वाइव ऑन द प्लानेट वी हैव टू मेक अ ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स, यानी कि अगर हम लोगों को इस प्लानेट पर सर्वाइव करना है, रहना है, तो हम लोगों को दूसरा ढूंढना चाहिए, ट्रांजिशन यानी कि दूसरा, यानी कि दूसरा आपको एनर्जी ढूंढना पड़ेगा जो कि स्थिर है, जो हमेशा के लिए रहेगा। द ट्रांजिशन मे बी विली नीली और प्लांट, द चॉइस इज आवर्स, यानी कि क्या है ट्रांजिशन, यानी हमारे बदलाव जो है, यानी कि एक एनर्जी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उससे दूसरी एनर्जी पर जाना, ये हम लोगों का अपने चॉइस पर डिपेंड करता है, हम चाहें या जाना चाहें, ठीक है। द डॉनिंग एरा ऑफ लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव एनर्जी विल बी ए वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन ऑन द अर्थ, बट विल बी इवन मोर डिफिकल्ट इफ इट इज नॉट एंटिसिपेटेड, यानी कि देखो मान लीजिए जब कम हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा एनर्जी हमारा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो हमारा लाइफ कैसा बन जाएगा, डिफिकल्ट बन जाएगा, इस अर्थ पर रहना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट रह जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उससे भी ज़्यादा और बुरा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, जब हम लोग अभी से नहीं सोचेंगे उसके बारे में तब। इट इज़ ऑफ ऑल एट मोस्ट इम्पोर्टेंस, यह बहुत ही आवश्यक है दैट द पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर अंडरस्टैंड द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, इस बात को समझे कि क्या ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस होने वाला है या होगा, इस बात को समझना चाहिए पब्लिक को भी और पॉलिसी मेकर जो ऊपर हैं, सरकार जो है, इनको सोचना चाहिए, ठीक है। एक्ट इन टैंडेम टू इंश्योर दैट द स्पीसीज ह्यूमन होमोसेपियंस हम लोग जो पूर्वज कहे हैं उसे हम लोग क्या होमोसेपियंस कहते हैं, डज नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, यानी ये सब विलुप्त नहीं हो जाए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा पब्लिक को भी और पॉलिसी मेकर को भी। अब पैसेज का मतलब क्या था, ये पैसेज का मतलब क्या था, एक एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्राइसिस के बारे में बताया जा रहा है कि अगर मान लिया एनर्जी को इस तरह से अभी प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उस प्रोडक्शन अब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है, हमारा लाइफ बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। आज जितने भी मशीन देख रहे हैं आप, वो किस में देख रहे हैं, ऑयल पर चलने वाला मशीन है, यानी आज कहने का मतलब ये है, आज इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोग किसके, तेल की दुनिया में रहते हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो पूरे वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, सभी के लिए दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर रहना अगर हमको है तो क्या, अगर हम लोग क्या है ना सर्वाइव टू ऑन द अर्थ प्लानेट, इस प्लानेट पर रहना है तो हम लोगों को दूसरा ढूंढना चाहिए सस्टेनेबल एनर्जी, यानी जिसके बारे में, किसके बारे में कह रहा है, तो विंड एंड सोलर एनर्जी के बारे में कह रहा है, यानी आपको रहना है क्योंकि विंड कभी ख़त्म नहीं होगा, हवा कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ऊर्जा यानी कि सोलर यानी कि सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, उस पर डिपेंड रहने के लिए कह रहा है अगर हम लोगों को आगे जीना है तो। अब ये था पैसेज, अब मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर करिएगा, फिर आप मेरे आंसर से मैच करिएगा।
क्या कह रहा है, द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड विल डिपेंड ऑन। देखिए अगर मान लिया जाए मैनकाइंड को रहना है अगर तो क्या हो जाएगा, उसको दूसरा माध्यम ढूंढना पड़ेगा ना। इसका आंसर जो हो जाएगा ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी, पैसेज में दिया गया है, अभी मैंने जस्ट मैंने बताया आपको, अगर रहना हमको अर्थ पर प्लांट पर रहना है तो हम लोगों को दूसरा ढूंढना होगा आपका एनर्जी सोर्स रिसोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। आगे है एनर्जी सोर्स ऑफ फ्यूचर, हमने क्या पढ़ाया अभी, विंड एंड सोलर एनर्जी क्या है जो फ्यूचर क्या है, इसके फ्यूचर है यानी कि एनर्जी सोर्स ऑफ फ्यूचर है ये, ऑप्शन नंबर बी का सी आंसर है। आगे है साइनोनिम ऑफ यूबिक्विटस, मतलब क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट होता है यानी हर जगह अवेलेबल रहने वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। वीडियो को पॉज करते रहिएगा, आंसर आप लोग करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने में है कि बायोमास एनर्जी कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए, कुकिंग के लिए यानी कि घर में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है द थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज का थीम क्या हो सकता है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है एनर्जी क्राइसिस के बारे में पढ़ा है हमने कि अगर इस तरह से यूज़ किया जाएगा तो कम हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारा एनर्जी, इसलिए क्या हो जाएगा फूड एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा, हमारा लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें जो बेस्ट है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी कर दीजिएगा, एनर्जी क्राइसिस कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस तरह मैंने 5 क्वेश्चन कराया है, आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ साथ आप अभी जो टेस्ट चल रहा है, टेस्ट 3 चल रहा है विजेता आर्मी क्लर्क टेस्ट, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन होने के लिए मैंने बता दिया है, पेमेंट करने के लिए आपको 8210718211 पे पेमेंट करेंगे, मैं आपको एक कूपन कोड सेंड करूंगा एप्लीकेशन में आपको क्लास एक्टिवेट करने के लिए, पेमेंट इस पर कर दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको एक कूपन कोड दूंगा, आप क्लास एक्टिवेट हो जाएगा यहां से। साथ साथ आप ये क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कि अभी 80 पैसेज हो चुके हैं। ठीक है, साइनोनिम एंटोनिम अभी बहुत ज़्यादा इसमें हो गए हैं, तो आपको लाइव क्लास तो चलता ही है, प्लस में जितना सारे क्लासेज हो गए हैं उतना सारे क्लासेज कर लोगे तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं भी क्लासेज कर रहे हो आप, तब भी ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फी भी ज़्यादा नहीं है और बेस्ट क्लास है ये। ठीक है, यानी जो भी मैं करा रहा हूँ यहाँ पर चैनल पर आर्मी कलर के लिए, इससे बढ़िया आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है, पूरा इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बात बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, खुद जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले सभी से एक बार जय हिंद।